Hello, myself Vani from Healthy Bits. Today is DIY, how to store mushrooms for longer period like 6 to 8 months in freezer and 10 days in fridge. अगर आप ये process follow करेंगे तो आप इनको ज़्यादा time तक store कर सकते हैं घर में and ये quality में better होंगे and cheaper होंगे as compared to the canned mushrooms. तो जो मशरूम्स लाए हैं उनको पहले अच्छे से वॉश करें क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा डर्ट चिपका होता है. यू हैव टू रिमूव इट नाइसली. मशरूम इज़ अ काइंड ऑफ फंगस एंड इस पर बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो होता है, इसलिए दे बिकम स्टिकी, स्लाइमी एंड कभी कभी डार्क कलर के हो जाते हैं. तो जब वॉश करते हुए हमें इनकी स्किन को रिमूव करना चाहिए जितना हो सके एंड वॉश होने के बाद हम उनको क्लॉथ पे ड्राई करेंगे. जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसे हम रिमूव कर देंगे अच्छे से मशरूम्स को ड्राई करके. फिर हम इनको चॉप करेंगे. चॉप करते हुए अगर स्टॉक फ्रेश है तो वी कैन कीप इट एज सच, नहीं तो हम स्टॉक को भी रिमूव कर देंगे. जब हम प्रोसेस्ड मशरूम्स रखते हैं वी कैन यूज़ इट डायरेक्टली इन आवर सूप्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, सब्ज़ी में या स्क्रैम्बल्ड एग में. तो प्रोसेसिंग करके इट इज़ ईजी टू यूज़ देम लेटर ऑन. चॉप होने के बाद मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है एंड गैस फ्लेम हाई रहेगा एंड सारे मशरूम्स मैंने ऐड कर दिए. धीरे धीरे मशरूम्स में से उनका जो मॉइस्चर है वो बाहर ऊज आउट हो जाएगा एंड सॉल्ट डाल देंगे हम उनमें. थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट रखेंगे ताकि वो अच्छे से स्टोर हो सकें फॉर लॉन्गर टाइम. एंड जब उनका सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा, जब वो ड्राई हो जाएंगे, तो हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे. मशरूम्स दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, दे आर लो इन कैलोरीज, इसलिए जो वेट लॉस जर्नी में है दे शुड इंक्लूड मशरूम्स. उनमें प्रोटीन है, सिलेनियम, फॉस्फोरस, फोलेट, दे आर वेरी गुड एंड दे आर एंटी ऑक्सीडेंट रिच. अगर हम ये प्रोसेस करते हैं तो वी कैन हैव मशरूम्स एनी टाइम व्हेन वी फील लाइक. आपको अगर ये प्रोसेस ठीक लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच DIYs. एंड जब ये कूल डाउन हो जाए तो मैंने इसको फ्रीज़र सेफ कंटेनर में स्टोर किया है. हो सके तो जिप लॉक्स अवॉइड करें, जितना हो सके स्टील एंड कांच यूज़ करें. टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.